आज मैंने सीखा है, क्योंकि वो है सत श्री अकाल। ओम शांति, यानी मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हम सब ज्ञानी हैं, संत हैं, लेकिन मैं कुछ शब्दों में मैसेज और भाव व्यक्त करना चाहूंगी। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरे को कुछ गुरु नानक साहब जी के जीवन की गाथा पढ़ने और सीखने का मौका मिला है। और जब इंटरफेथ की बात की जाती है, जब इस प्रोग्राम की बात सामने आई, तो अगर दुनिया में इंटरफेथ पायनियर है तो वो गुरु नानक साहब जी हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारे धर्मों को जोड़कर एक ऐसा धर्म बनाया, एक ऐसा पाथ बनाया जिसे आज भी मानवता फॉलो कर रही। हम देख रहे हैं इतने सारे लोग रिस्पेक्ट से अग्री करते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो सत्य है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो गुरु नानक साहब वो सच्चे स्पिरिचुअल टीचर हैं, जिन्होंने हमें सिर्फ रिचुअल से हटाकर जो हायर कॉन्शियसनेस है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करी, कि सिर्फ कर्म कांड नहीं करो लेकिन अपने को वो नूर समझ के उस अव्वल नूर को याद करो। जब मैं सिखों को देखती हूँ, हमारे भाइयों को, तो बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन एक चीज हर एक के स्वीकार करेगा कि सारी दुनिया में कहीं पर कभी भी कोई कलामिटी आती है, कोई वॉर होती है, कोई अकाल होता है, या किसी पड़ोसी को भी मदद करनी होती है, तो वहां पर आपको हमारे सिख भाई जरूर मिलेंगे जो सेवा करते हैं। और ये निशानी है कि वो गुरु की जो टीचिंग है वो फॉलो कर रहे हैं। और आज के समय में हम देखते हैं कि हमें स्नेह की आवश्यकता, यानी लव की जरूरत है, काइंडनेस की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है सारी दुनिया में। और उस नीड को पूरा करने के लिए भी हमारे सिख भाइयों ने बहुत सुंदर मंच तैयार किया कि अभी सारी मानवता तक वो संदेश पहुंचे। जब हम एक दूसरे के प्रति काइंड रहें, एक दूसरे को स्नेह दें, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसा तभी होगा जब हम एक दो को अपना भाई समझें कि ये मेरा भाई है, ये दूसरा नहीं है, ये मेरा अपना है। और वो अपनापन तब आता है जब हमें वो एक याद आता है। मैं बाबा जी को सुन रही थी, एंड ही इज एन epitome, ही इज एन example ऑफ व्हाट गुरु नानक साहब सेड, बिकॉज ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, बट व्हेन ही स्पीक्स देयर आर vibrations इन द हॉल। आपने उनको नहीं देखा तो आप इनको फॉलो कर लें। क्योंकि उनकी आवाज इतनी धीमी थी, हम सुन रहे थे, लेकिन वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि सारा वातावरण चार्ज हो रहा था। और यही हमें गुरु नानक साहब ने बताया है। और बहुत सुंदर बात, दो बातें बताई आपने गुरु नानक जी की, कि वॉर स्टार्ट हो कहाँ से रही है, झगड़ा हो कहाँ से रहा है, जब दिल में नफरत है, जब दिलों में प्यार नहीं है, तो वो धीरे धीरे हमारे कर्म में आ जाएगा, लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा। तो अपने दिलों को साफ करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने दिल में प्यार बढ़ाने की जरूरत है। और दिल में प्यार कब बढ़ेगा? अगर तेरा मेरा होगा, दे अभिमान होगा, तो दिल में प्यार नहीं हो सकता। वो प्यार लाने के लिए सिमरण करो, यानी उस परमात्मा को याद करो। तो ये दो बातें हमें करनी है। और मुझे बड़ा ही बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यही हम ब्रह्मा कुमारी इस बहने भी सारे विश्व में यही संदेश दे रही हैं कि परमात्मा एक है, उसे याद करो, लेकिन केवल धर्म को समझ के याद करो कि तुम्हारा वास्तविक धर्म क्या है। आज हम सभी अलग अलग धर्मों की बातें कर रहे हैं, लेकिन धर्म वास्तव में क्या है? धर्म मेरा है आत्मा के रूप में शांति, मेरा धर्म है भाईचारा, मेरा धर्म है प्रेम, मेरा धर्म है करुणा, मेरा धर्म है आनंद। ये धर्म अगर मुझे याद रहेगा, अगर इस धर्म पर मेरे कर्म होंगे
तो मुझे उस परमात्मा की भी स्मृति रहेगी और मैं हरेक को अपना भाई समझूंगी, अपनी बहन समझूंगी, तो वॉर या जो मन मुटाव या जिस प्रकार की परिस्थितियां सारे विश्व में बनती हैं, उन परिस्थितियों में मेरा योगदान हो जाएगा। और सिंपल कुछ शब्दों में ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी बताया कि हमने हरमंदिर साहब से ये जर्नी प्रारंभ करी, और जब मैं वहां पर गई उस कॉम्प्लेक्स में, उस जगह पर, उसके वाइब्रेशंस को महसूस किया मैंने, और मुझे महसूस हुआ कि वहाँ सचमुच एक परमात्मा की याद में बैठा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जाते ही व्यक्ति को सत्यता का, अपनी सत्यता का अनुभव होगा कि मैं शांत हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। और जब हम इस सभा में बैठे हैं, कितने सुबह से हम निकले थे जैसे कि बताया, और आप सब भी इतनी बड़ी तादाद में सब बैठे हैं, और वाइब्रेशंस कौन से आ रहे हैं, शांति के आ रहे हैं। तो जैसे कि बाबा जी ने हमें बताया कि हम सब ज्ञानी हैं, अगर हम सबको थोड़ा और मौका मिले तो बहुत सारा ज्ञान लिख भी देंगे, बोल भी देंगे, आप सब भी बोल देंगे, लेकिन अभी ज़रूरत है सिर्फ बोलने की नहीं, लेकिन अपने जीवन में उतारने की, अपने जीवन में अपने कर्म को करते हुए, जैसे कहते हैं ना, हथ कार दे दिल यार दे, तो मेरा यार कौन है, उस यार को याद करते रहना। अगर हम सब ये पक्का कर लें तो हमारे वाइब्रेशन सिर्फ इस हॉल तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन सारे विश्व तक फैलेंगे। तो अंत में मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी, आप सब से भी अनुरोध करूंगी, जैसे कि बाबा जी ने भी कहा और हम सब ब्रह्मा कुमारी बहनें भी यही करते हैं, हम विशेष अमृत वेला सुबह 4 बजे उठते हैं और सारे विश्व को शांति के प्रकंपन देते हैं। अगर हम हाथ से काम नहीं कर सकते, शरीर से हर जगह नहीं जा सकते, गुरु नानक साहब तो पैदल कितने उदासी, कितने सारे विश्व में पैदल चले गए, हम शायद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास स्वच्छ मन तो है, अच्छा दिल तो है, उससे हम सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैला सकते हैं, शांति स्थापन कर सकते हैं। क्या इतना योगदान हम नहीं कर सकते, इसमें तो हमारा कुछ नहीं जाता। तो हम ब्रह्मा कुमारी बहनें रोज सुबह 4 बजे यही कार्य करते हैं, और मैं अनुरोध करूंगी कि हम सब अभी इस स्थान पर बैठे हैं, सारे लीडर्स बैठे हैं, गुरु नानक साहब जी के टीचिंग्स को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस मौके को हम यूज करें। और आपसे अनुरोध करूंगी कि 10 सेकंड्स के लिए हम अपने हर एक अपने मन को स्वच्छ करें। सबसे पहले जो 10-15 सेकंड के लिए हर एक बात से अपने मन को हटाकर उस एक परमात्मा की स्मृति में आ जाएं, अपने को इस शरीर से भिन्न वो नूर देखें कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं और मैं उस एक परमात्मा की संतान हूं, और यहां बैठे हुए हम सच्चे मन से सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाएं कि मेरे वो भाई जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो डर में हैं, जो रो रहे हैं, उन तक ये वाइब्रेशंस पहुंचे, उनके दिल में सुकून हो, उन्हें शांति का मार्ग मिले, उनका दिल भी परमात्मा से जुड़े। हम 10 सेकंड्स के लिए इसी शांति के अनुभव में अनुरोध करूंगी कि हम सब बैठें।